हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ओके, उसका कंस्ट्रक्शन देखे थे, देन उसका प्रिंसिपल देखे थे कि किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। तो अगेन हम आज उस पर बहुत ज़्यादा इनडेप्थ डिस्कस नहीं करने वाले, आज हम सिर्फ देखने वाले कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, इट मींस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि किस तरीके से जॉकी को हम गैल्वेनोमीटर की वायर पे मूव करते जाते हैं, चेक करते हैं कि एक कंडीशन आनी चाहिए जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो, ओके। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पे, जो जॉकी है, अगर हम बहुत थोड़ा सा भी उसको शिफ्ट करते हैं उसके नल पॉइंट की पोजिशन से, नल पॉइंट पोजिशन क्या थी, नल पॉइंट पोजिशन वो पोजिशन है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है, इट मीन्स उस गैल्वेनोमीटर में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा था। तो अगर ऐसी सिचुएशन हमको मिल चुकी है, इट मींस नल पॉइंट पोजीशन मिल चुकी है, और वहाँ से अगर हम बहुत थोड़ा सा ही, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बहुत मामूली सा स्लाइटली शिफ्ट करते हैं, एंड उस टाइम पे अगर हमको बहुत डिफ्लेक्शन, यानी बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने मिलता है गैल्वेनोमीटर में, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ओके। तो एक्चुअली जो ये पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो डिपेंड करती है पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू पे, ओके। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था स्टूडेंट्स कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ड्रॉप इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअली उसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ही हम ज़्यादा बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है वो सेंसिटिव है, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि जो पोटेंशियोमीटर है हम उसको बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन तब जब वो बहुत छोटी से छोटी ईएमएफ या छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है एक्यूरेटली। यानी कि अगर ऐसा एक डिवाइस है, एक ऐसा पोटेंशियोमीटर डिवाइस है जो कि छोटी से छोटी, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर बहुत छोटी ईएमएफ वैल्यू को मेजर कर सकता है वो भी एक्यूरेटली, तो वो पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव बोला जाएगा, ओके। तो हम यहाँ पे लेट करें, जो हमने पोटेंशियोमीटर में वायर लिए हैं उसके जो एंड्स पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके, वो है कैपिटल वी, एंड जो पोटेंशियोमीटर की वायर है उसकी लेंथ है कैपिटल एल। तो उस केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जो कि डेफिनेशन हमने देखे थे, ओके, दैट इज रो, या फिर केस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज वी अपॉन एल, इट मींस ड्रॉप इन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ओके, यही है बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, अगर सपोज कर रहे हैं कि जो बैलेंस लेंथ मिली है, इट मींस ए पॉइंट से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से उस पोटेंशियल वायर के, ओके, वहां से जितने डिस्टेंस पे हमको बेसिकली नल पॉइंट पोजीशन मिली है वो मान लेते हैं स्मॉल एल है, ओके। एंड जो सेकेंडरी सर्किट में जो हमारे पास एक सेल जॉइंट है उसका जो ईएमएफ है वो कैपिटल ई है, तो पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रो इनटू एल, यहाँ से भी वो मिल सकता है आपको, इट मींस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी जगह हम बोल सकते हैं कि वो इक्वल है किसके, ईएमएफ के, एंड एल जो है वो लेंथ ऑफ वायर है, एंड रो यहाँ पे, तो ई इज इक्वल हो जाएगा, दैट इज रो इनटू एल, ओके। तो L अगर हमको चाहिए कि कितने लेंथ पे हमको एक्चुअली नल पोजीशन मिली है, तो जगह L इज इक्वल टू E अपॉन रो, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आपको एक स्टूडेंट्स कंक्लूजन मिल रहा है, ओके, कि जितनी ज़्यादा लंबी वायर होगी, इट मींस जो पोटेंशियोमीटर में जो वायर ली गई है वो जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ही पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको कम मिलने वाला है, ओके। और जैसे कि हमने बात किए थे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना छोटा होगा उतना ही पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा होगी, राइट, अभी हमने डिस्कस किए थे, तो वही चीज़ यहाँ पे वर्डिंग्स में लिखी है, आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे कुछ कंडीशंस, इट मींस ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जब पोटेंशियोमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। तो ऐसी तीन कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, द वेरी फर्स्ट, पोटेंशियोमीटर की जो वायर है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उससे जो पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो भी ज़्यादा होगी, ओके। सेकेंड, पोटेंशियोमीटर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एक जैसे, यानी कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो एक जैसे होगा तो उतना ही ज़्यादा पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होगा। एंड द थर्ड थिंग, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत छोटा होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ओके, जो सेल आप ले रहे हैं उसके लिए। सो बेसिकली उस कंडीशन में क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी होगी। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि आपको एक्यूरेट आंसर मिलेंगे, ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।